एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो रोज सुबह सुबह एक समुद्र के किनारे मॉर्निंग वॉक पे जाया करता था। एक दिन जब वो सुबह टहलने के लिए जा रहा था तो उसने देखा कि समुद्र के किनारे लाखों मछलियां जो हैं वो पड़ी हुई हैं। तभी उसने देखा कि थोड़ी दूर पर एक लड़का कुछ कर रहा है। वो थोड़ी थोड़ी देर में नीचे झुकता है, कुछ उठाता है और कुछ फेंक देता है। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि लड़का क्या कर रहा है। वो उसके पास में गया और उससे पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो। तो उस लड़के ने कहा कि मैं इन मछलियों की जान बचा रहा हूं। अभी थोड़ी देर बाद जब सूरज तेजी से निकलेगा और जब धूप हो जाएगी तो ये मछलियां मर जाएंगी, क्योंकि ये अपने दम पे तो वापस जा नहीं सकती, इसीलिए मैं इनको वापस फेंक रहा हूं। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसने इसको समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि भाई देखो, यहां तो लाखों मछलियां पड़ी हुई हैं, तुम जो दो चार मछलियां फेंक रहे हो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो उस लड़के ने एक मछली उठाई और उसको समुद्र में फेंक दिया और बोला कि इस मछली पे फर्क पड़ता है। दोस्तों, ये जो कहानी है ये हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति इस समाज में, इस दुनिया में अच्छा काम कर सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत प्रभावशाली हों, आप राजा हों, महाराजा हों, प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप किसी भी पोजीशन पे हो सकते हैं फिर भी आप लोगों का भला कर सकते हैं और इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपने घर में, आपका जो परिवार है उसकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, आपके जो पति हैं या पत्नी हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, उनके लिए आपसे महत्वपूर्ण कोई भी व्यक्ति नहीं है। अगर आपका बिहेवियर अच्छा होगा तो वो खुश होंगे और अगर आपका बिहेवियर ख़राब होगा तो वो दुखी होंगे। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में आप अपने जो बॉसेस हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके कोलीग्स हैं, जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क ला सकते हैं। आपका जो सबॉर्डिनेट है उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है कि उसका बॉस कौन है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से ट्रीट करें, आपका बिहेवियर उसके लिए अच्छा हो, तो उसकी ज़िंदगियों में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। और अगर आपने उसको मिसट्रीट किया, उससे बदतमीजी की, तो उसकी ज़िंदगी आप मुश्किल बना सकते हैं, नरक बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमें इस बात को समझना होगा कि अच्छे काम करने के लिए हमें बहुत ऊंचा उठने की ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है, बहुत शक्ति की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। और जिस दिन ये इच्छा शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी, हम जहाँ पे भी हैं वहीं से इस दुनिया का भला कर सकते हैं और दूसरों की ज़िंदगी सुधार सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने एक व्यक्ति की ज़िंदगी सुधारी या 10 व्यक्ति की ज़िंदगी सुधारी या 1000 व्यक्ति की ज़िंदगी सुधारी। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आप इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं, इसको खूबसूरत बना सकते हैं और इसको आगे ले जा सकते हैं।